हेलो फ्रेंड, दिस इज विशाल आसान टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रोटोनिक्स का रफ हेड, जो कि 15 इंच डी राइटेबल एलसीडी स्क्रीन का है और इसको एज ए रफ पैड आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने इसे जियो मार्ट से मंगाया है, 967 रुपये में मिला है ऑफर में। ये देखिए कैसा दिखता है, इसको बोल सकते हैं प्रोटोनिक्स का रफ पैड 15 इंच बस डिजिटल रफ पैड। मुझे ये ऑफर में 967 रुपये का मिला है। ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये देखिए लिखा है प्रोटोनिक्स रफ पैड 15 इंच री राइटेबल एलसीडी राइटिंग पैड। इसमें लिखा है डूडल अलोंग। ये देखिए 1 ईयर वारंटी, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। स्मार्ट लॉक है, सिंगल टैप इरेज है, यानी एक टैप करेंगे तो इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा। लॉन्ग बैटरी लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इजी इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा ड्यूरेबल। इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसको मैंने जियो मार्ट से मंगाया क्योंकि अमेजन से मंगाया था तो डील खत्म होने के बाद वो डिलीवरी नहीं कर पा रहा था। एकदम रॉ एंड रियल आपको दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। ये देखिए ये आईपैड का फील आ रहा है इसमें। ये देखिए कुछ ऐसा, ये है आपका रफ पैड और ये है स्टाइलस जिसको पेन बोलते हैं, जो डिजिटल पेन जो भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए पूरा, इसको अकेले ही आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए इसको ध्यान से, यहाँ टिप टॉप पेन होता था ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल दिखाने के लिए है, पेन जैसे फील कराने के लिए। देखिए कुछ नहीं है, बॉल पेन नहीं है। ये देखिए रफ पैड है, आपको देखने से लगेगा डैमेज है लेकिन ये इसका ऐसा डिजाइन है। अब देखते हैं इसको खोल के। इसके अंदर मिलता है, देखिए रजिस्टर लिखा है, क्लिक अ फोटो ऑफ इनवाइस या रिसीट और व्हाट्सएप करो इसमें तो आप रजिस्टर हो जाओगे। साइन एंड स्टाम्प डेट अगर आप इसको ऑफलाइन स्टोर से लेते हो तो सब। और क्या मिलता है, रफ पैड X5 री राइटेबल LCD राइटिंग पैड। ये आपको यूजर मैनुअल मिल जाता है, अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं चलता तो आप ये चीज़ को देखिए। ये देखिए मेंटेनेंस लिखा है, 60 डिग्री, -10 डिग्री जो भी है। अब इस पर आ जाते हैं। ये देखिए प्रोटोनिक्स लिखा है, बेजिंग जिसको बोलते हैं। और ये देखिए लॉक है, ये है अनलॉक है, लॉक है अनलॉक है। ये क्या चीज़ है, इसको अभी खोल के देखना पड़ेगा, शायद तक बैटरी वैटरी का कुछ होगा। ये देखिए जो लॉक अनलॉक मैं आपको दिखाया, ये हो गया लॉक और ये हो गया अनलॉक। तो मैंने अनलॉक किया इसको तो ये देखिए जो हरा रहा था वो मिट गया, ये इसका सिग्नेचर जो इसका चित्र था वो। ये भी क्लियर का ही है, देखिए ये कुछ में धब्बा बबड़ गया, ये देखिए। तो इसको हम सोचेंगे कि ये कुछ वो है, ये देखिए हरा हो गया, ऐसा लगता है कि स्क्रीन खराब है, लेकिन नहीं। देखो मैं क्लियर बटन दबाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ काम करता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ ASAN Tech। राइटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लेकिन आसान टेक है, आसान टेक आपको दिखाना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और ये बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये आसान टेक का हो गया। अब मेरे को ये आप खुद बताइए मेरे को कि ये रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं। मेरे को लग रहा है कि मैं हरे कलर में एक नंबर चौक में जैसे लिखते हैं ना वैसा मैं लिखा, मेरे को तो ये रियलिस्टिक लग रहा है। और ये देखिए मिटा रहा हूँ, मिट नहीं रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिए आपको लॉक अनलॉक दिखाता हूँ। इसके मैंने अनलॉक किया है, अब मैं लॉक कर देता हूँ, जो कि जैसा आया था जब ये ना तो लॉक था, तभी मैं ये कई बार बटन दबाया था कुछ नहीं रहता। ये देखिए अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाए हैं, चाहते हैं आपको दोस्त क्लिक करके, अभी कोई बच्चा घर में क्लिक करके एक सेकंड में बर्बाद मत कर दे, तो आप लॉक बटन दबाइए। ये देखिए चाहे जो करो मिटेगा नहीं, लेकिन मेरे को क्या करना होगा, अनलॉक बटन दबाना है। ये देखिए यहाँ स्विच कर लिया, स्लाइड करिए, मैंने अनलॉक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक बटन दबाऊँगा पूरा इरेज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जैसे अलग अलग प्रेजेंटेशन में लिख लिया, ठीक है ये बहुत कुछ लिख लिया, एकदम रियल रियल। देखिए आवाज़ सुनिएगा, एकदम रियलिस्टिक फीलिंग है, जैसे चौक से लिखते हैं वैसा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसका कोई पार्ट पार्शियल इसको पार्शली इसको इरेज करना चाहता हूँ, तो ऐसा कोई सीन है नहीं। रुकिए एक बार देखता हूँ मैं, क्या इसके पीछे से होता है ये और लिखाने लग गया। वन टच इरेज यानी ये, इसीलिए इसका नाम है रफ पैड। जैसे आप रफ वर्क करते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन बना के अगर थोड़ा सा भी गलती हुई आप चाहते हैं यहाँ मिटाना चाहते तो वो नहीं कर सकते, जो कि इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। अब इतने रुपये में इतना ही चीज़ मिलेगा, ये देखिए। तो ये मेरा रिव्यू था, शॉर्ट रिव्यू प्रोटोनिक्स के रफ पैड के बारे में, जो कि 15 इंच का है। इसका साइज़ भी सही लगा मेरे को, स्लेट टाइप का है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और इसकी टेक्निकलिटी में अगर घुसना है तो और मैं आपको कुछ बता दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहें आसान टेक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।